हमारे साथ सैयद भी जुड़ चुकी हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सैयद, राम धुन आपसे सबसे पहले सुनना चाहेंगे। बहुत बहुत स्वागत गुड न्यूज टुडे पर आपका। जी मड़ी चोखट टाटुल का अज चार धाम आए दिन, मड़ राम आए दिन अम्मा सीता नाल आए दिन, प्रा लक्ष्मण होर बात हनु आन आए दिन, बजाओ टोल स्वागत भीष मड़े का राम आए दिन। वाह, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत। सैयद बतूल, एक तो मेरा सवाल है आपसे कि क्या आप भी जा रहे हैं रामलला के दर्शन करने के लिए और प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी बनने के लिए? इंशाल्लाह अगर किस्मत में हुआ तो जरूर जाऊंगी। सैयद, ये बताइए कि आपकी फेवरेट राम धुन कौन सी है जो आप अक्सर गुनगुनाती हो? जी मेरी चोखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। और इसी से इंस्पायर होके मैंने पहाड़ी में लिखा है राम भजन। वाह, क्या बात है, बहुत प्यारा गाती हैं आप। और अब हम सब इंतजार कर रहे हैं कि राम घर कब आएंगे, राम अपने महल में कब आएंगे, मंदिर में कब आएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, लौटेंगे आपके पास, आपसे बातचीत भी करेंगे। हमारे साथ संजय जी भी बने हुए। संजय जी, आपका मैं रुख करना चाहूंगी, क्योंकि हम बात अब जैसे जैसे वो तारीख नजदीक आ रही है तो राम का जिक्र हो ऐसा नहीं हो सकता। श्वेता भी जब लगातार लोगों से बात कर रही है तो उन्होंने कल बताया था कि प्रयागराज एक स्टॉपेज की तरह हो गया है जहां पर लोग आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं और अयोध्या की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। तो संजय जी, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी कि मकर संक्रांति से लेकर बहुत से लोग होंगे जो राममय होना चाहते होंगे, वो कैसे हो सकते हैं ये भी बता दीजिए। देखो, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताए वो जब प्राण जाएंगे छूट। तो आज इसका जो दिन है 15 तारीख से लेकर के और 22 तारीख तक, क्योंकि राममय हो जाएंगे सब। और कहते हैं कि रमते कणे कणे इति रामा, जो रोम रोम में बसा है वो राम है। और अयोध्या जाकर के और जहाँ पे भगवान ने अपनी बाल लीलाएं दिखाई हैं और बाल रूप में वहां रहे हैं और उस स्थान पर जाकर के स्नान करके ध्यान कर रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं, तो राम के कहते हैं कि रोम रोम और कण कण में जो है राम वहां पर बसे हुए। और उस स्थान पर जाकर के जो भी अपनी भक्ति और समर्पण उनके प्रति अर्पित कर रहे हैं और जिन लोगों को मौका भी मिला है जाने का, वो तो कहते हैं कि धन्य ही हो गए हैं। और आज का जो दिन है, आज से लेकर के और 22 तारीख तक जब तक रामलला का वहां पर स्थापना हो रही है, तब तक का जो समय रहेगा बड़ा ही उत्तम रहेगा। और कहते हैं कि जिसने अपनी हाजिरी वहां पर लगा दी जाकर के, उसकी मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी। और राम राम जो है बोलते जाएं, अगर हो सके तो कम से कम जो है एक माला जो है राम नाम की जरूर करें, एक अभी आज से लेकर के और 22 तारीख तक। और घर पर भी आज से ही मैं कहूंगा कि दीपक जरूर जलाएं, क्योंकि सूर्य मंत्र का जाप करें, जैसे कहा कि होम हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, सूर्य के मंत्रों की आहुति दें, ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र की आहुति दें और सूर्य की उपासना करें और भगवान राम की भी उपासना करते जाएं, जिससे कि भगवान जो है आपके रोम रोम में बस जाए और पूरे संसार में जो है अंधकार जो छाया हुआ है वो प्रकाश में बदल जाए, क्योंकि राम भगवान जो है प्रकाश देने वाले हैं, ज्ञान देने वाले हैं, सौभाग्य की वृत्ति देने वाले हैं। और कहते हैं कि सब साथ मिलकर के चलें, इस प्रकार का जो है संदेश भगवान राम। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आज से सभी शुभ कामों की शुरुआत हो चुकी है और शुभ दिनों की शुरुआत हो चुकी है। और इसी के साथ प्राण प्रतिष्ठा का भी सभी को इंतजार है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।